हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल प्रीति। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ मेरे हिमाचल वाले घर पे, और अब हम लेने वाले हैं इसका हाउस टूर। तो आइए मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी राधा माधव ब्रिज में। आइए, तो ये है हमारा गार्डन एरिया। ये पूरा गार्डन है, यहाँ पर हमने स्पेशली एक सेक्शन बनाया है बैठक करके, जहाँ पे कोई गेस्ट अगर बाहर से आते हैं और हम ना हो घर पे, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम करने के लिए ना, दे कैन हैव अ सीट ओवर हियर, और यहाँ पे उनको हम चाय कॉफ़ी सर्व कर सकते हैं। और फिर इधर से एक दरवाज़ा जाता है जो कि सीधा एक्सेस पूल एरिया की तरफ जाता है। फिलहाल उसको ताला लगा हुआ है, हम इसकी एंट्री अंदर से लेंगे, रूम से भी एंट्री है। तो आइए, तो मैं आपको पूरा मेरा गार्डन बताती हूँ। यहाँ बहुत सारे तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारी तुलसी मैया भी है, और यहाँ पे हम रोज़ सुबह के और शाम दो टाइम दिया करते हैं तुलसी को। तो चलो अब हम लेते हैं अपना पूरा हाउस टूर, और हमारे घर का नाम है राधा माधव कुंज। चलिए, और यहाँ पे जो एरिया है ये देखो, ये प्लेट अभी बन के आई है राधा माधव कुंज के नाम की। अभी हमें लगाना बाकी है, इसमें लाइटिंग होगा थोड़ा और ऐसा, फिर हमें बाहर इसको प्लेस करना होगा। और यहाँ पे हमारा शू रैक है, जहाँ पे आराम से यहाँ बैठ करके हम ऐसे शूज़ वगैरह पहन सकते हैं। फिलहाल सारे जूते हमने अंदर सेट कर दिए, तो मैं यहाँ पे अपने जूते खोल के अंदर जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे अंदर एंट्री करते ही हमारा राधा माधव जी का सुंदर सा मंदिर है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे राधा माधव जी हैं, हमारी माता रानी हैं, कात्यायनी माता है, और गोपेश्वर महादेव हैं। और जब जब हम यहाँ आते हैं, ठाकुर जी यहाँ भी हमारे साथ ही होते हैं, और मुंबई में तो ठाकुर जी है ही हैं। तो यहाँ पे छोटे से लड्डू गोपाल हैं, और हमें यहाँ पर गुरु जी का स्थान दिया है। और फिर यहाँ पे हमने बहुत तरह तरह के मालाएं और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि अभी हमारे गांव में आधे से ज़्यादा लोग हरिनाम वाले हो चुके हैं। ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि हर कोई हरिनाम कर रहा है, और यहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत सामान रखा है। महाराज जी का जो बुक्स हैं वो सब यहाँ हैं, जो कोई पढ़ना चाहे वो यहाँ से लेके जा सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे बहुत ही सुंदर हॉल एरिया, जो कि इस घर का सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। एस्पेशली ये जो वॉल है, ये आप देख सकते हो, ये वॉल बहुत ही स्पेशली डिज़ाइन किया। और आपको एक बात बता दूँ, एक बात कि ये पूरा घर डिज़ाइन करने के पीछे हमारे हैप्पी भैया का हाथ है। मतलब उन्होंने इस घर पे इतना ज़्यादा टाइम दिया है, इतना ज़्यादा उनका मतलब दिमाग लगा करके एक एक चीज़ यहाँ की डिज़ाइन करवाई। आप देख सकते हैं ये जो वुडन का पूरा वो है डिज़ाइन, ये भैया ने खुद कस्टमाइज करवा करके यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी ये शो पीस की तरह एक चक्र सुदर्शन चक्र बना दिए। और ये हमारा इतना बड़ा सोफा है, क्योंकि ये ना पठानिया फैमिली बहुत बड़ी फैमिली, जब हम सारे इकट्ठे होते हैं ना, तो ये पूरा हॉल सोफा पूरा भर जाता है, मतलब ये सोफा भी कम पड़ जाता है। पूरा गाँव एक्चुअली पठानिया परिवार जब एक साथ बैठता है तो क्या ही बोलूँ। और ये है मम्मी पापा का रूम, जो कि फिलहाल मुंबई में है, और हम आए हैं हिमाचल में होली सेलिब्रेट करने। तो ये उनका रूम है, ये उनका टीवी है, पर्सनल टीवी है। और अंदर जाएंगे तो यहाँ पे अलमारी में बहुत सारे हमने सामान स्टोर करने में मैं ओपन नहीं कर सकते। अब ये है उनका पर्सनल बाथरूम, क्योंकि यू नो ओल्ड एज है, उनको पर्सनल बाथरूम की ज़रूरत पड़ती है, वो ज़्यादा बाहर अंदर नहीं हो सकते। अब हम चलते हैं हमारे बहुत ही स्पेशल सेक्शन में, जो कि है हमारा पूल एरिया। तो ये है बहुत ही स्पेशल एरिया, हमारा प्राइवेट पूल एरिया। शायद ही पूरे हिमाचल में इतना बड़ा स्विमिंग पूल किसी के घर में होगा, और ये सब मेरे पतिदेव विजय पठानिया की वजह से बना है, जिनको बहुत ही ज़्यादा स्विमिंग का शौक है। उनको तो है ही, उद्धव कौन से ज़्यादा है, फंड है चाहे कुछ हो, उसने पानी में डुबकी लगानी है। तो ये देखो, जब रात होगी ना, हम रात को आपको अलग एक व्यू बताएंगे, जो वहाँ पे वाटरफॉल चलता है, शावर चलता है, और बहुत ही सुंदर लाइटनिंग यहाँ पे हमने बनानी है, तो वो हम व्यू हम रात को बताएंगे। तो फिलहाल ये डे व्यू है, तो अब देख लो कितना बड़ा है।
मुझे तो बहुत डर लगता है स्विमिंग करने में, मैं तो बहुत कम ही जाती हूँ, बट हाँ होली खेलने के लिए मैं ज़रूर अंदर जाऊँगी क्योंकि होली में तो आना ही पड़ेगा। और ये देख सकते हो पूल एरिया को हमने पहले तो पूरा कवर कर लिया ताकि हमें बाहर वाले लोगों को अंदर का पोर्शन दिख ना पाए क्योंकि ये थोड़ा प्राइवेट हो जाता है एरिया। और यहाँ पे हमने फेंसेस लगा दिए हैं बहुत ही, ताकि कोई बाहर से कोई जानवर अंदर ना एंटर कर सके। ये यहाँ पे पीछे पूरा जंगल है तो रात को चीता भी आते हैं, शेर वेर सब आ जाते हैं, सांप वगैरह भी आ सकते हैं, इसलिए हमने बहुत ही सेफ्टी के साथ हैप्पी भैया ने हर एक चीज़ को बहुत ही सेफ्टी के साथ डिज़ाइन करवाया। तो चलो हाँ यहाँ पे एक टी टेबल है, यहाँ पे हम लोग बैठ कर के थोड़ा चिल कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज खा सकते हैं, है ना। और फिर हम चलते हैं जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाला एरिया है, वो है माई किचन। मेरा आधे से ज़्यादा दिन इस किचन में जाता है, बाकी चीज़ें तो मैं ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाती, पर हाँ किचन मुझे चाहिए था एकदम बड़ा क्योंकि मैं पूरा दिन यहाँ पे खाना पकाती हूँ, ठाकुर जी के भोग के लिए तरह तरह की चीज़ें तैयार करती हूँ। तो ये देखिए हमारा बहुत सारा सेक्शंस यहाँ पे बना दिए हमने, अभी तो फिलहाल हम कुछ ही दिनों में आए इसलिए मैंने ज़्यादा सामान स्टोर नहीं किया, लेकिन जब मैं मई में आऊँगी फिर ये पूरा कर दूँगी, फिर जो हमारी डेली नीड्स हैं वो तो होंगी। और ये पानी की बॉटल भी लीजिए जी, स्पेशल पानी पीते हैं पेरियर का, तो ये उन्होंने यहाँ पे अपने लिए लाके रखा हुआ। और यहाँ पे देखो चुटपुट सामान है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मेरे बर्तन है वो सारे मैंने ऊपर की तरफ स्टोर कर दिए। और ये सारे देखिए दिस इज ऑल मॉड्यूलर किचन, ये यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये सब बाहर आ जाता है और अंदर डालते हैं वापस। बहुत ही एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन का किचन है ये, मुझे बहुत मज़ा आता है इस किचन में काम करने के लिए। ये हमारे कुछ गिफ्ट्स हमने रखे हैं, अभी हम जाएंगे वैष्णो देवी तो हमें उनके लिए लेके जाने हैं। और यहाँ पे मेरे प्लेट्स वगैरह, जो डेली का सामान है, ये मेरा स्पून सेक्शन है, वहाँ पे एरिया है सिलेंडर वगैरह, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे गैस पाइप नहीं आई है यू नो। तो और ये भी मतलब मेरे पास बहुत सारी स्पेस है, मुंबई मेरे पास स्पेस कम पड़ जाती है क्योंकि वहाँ घर छोटे छोटे थे, यहाँ मैं जितने चाय बर्तन रख सकती हूँ। ये रेफ्रिजरेटर है देखिए, इसका सामान अभी ज़्यादा भरा नहीं है क्योंकि हमने दो दिन बाद चले जाना है। और ये है मेरा बहुत ही स्पेशल सेक्शन जिसमें मैंने बहुत सारे यहाँ पे कांच के जो डब्बे रखे, इसमें मैंने बहुत सारी दालें स्टोर की क्योंकि उन डब्बों में दालें ख़राब नहीं होती, चाहे आप एक साल भी रख लो, है ना। और ऊपर हमने बड़े बड़े पतीले रखने हैं। ये है मेरा माइक्रोवेव का सेक्शन, ओके यहाँ पे माइक्रोवेव है, यहाँ पे कुछ स्टोरेज, बहुत सारी स्टोरेज हम कर सकते हैं, मेरा बहुत सामान होता है घर का, आप रख नहीं चाहोगे तो भी कम पड़ेगा। और ये मेरा बहुत ही स्पेशल सेक्शन है जहाँ पे हमने पूरी क्रॉकरी और सुंदर सुंदर ग्लासेस, क्योंकि विजय जी को क्रॉकरी का बहुत शौक है, तो मैंने बहुत सुंदर डिजाइन वाले कप्स ला के रखे हैं, जब कोई गेस्ट आते हैं तो यू नो हम ये क्रॉकरी को यूज करते हैं। अब हम चलते हैं मेरे एरिया में, इसकी डिजाइन इतनी सुंदर तरीके से की हुई है कि जब इसको सफाई करनी पड़ती है तब मुझे बहुत दिक्कत आती है, मगर दिखने में बहुत सुंदर है। और यहाँ से हम ऐसे भी देख सकते हैं, हेलो हाँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन बाथरूम है जो कि गेस्ट आते हैं एंड यू नो देयर इज अ नीड ऑफ वाटर। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये आपने देखा होगा ये हमारा मिरर है जो कि एकदम ऑटोमेटिक, इसको टच करने पे यहाँ की लाइट जग जाती है और जब नहीं चाहिए तो हम यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। तो चलिए अब ये है मेरा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस था क्योंकि यहाँ से रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए ये स्पेस को हमने थोड़ा स्टोरेज टाइप बना दिया है, अंदर भी अलमारी है, हम अपने सूटकेसेस वगैरह वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और अब मैं चलूँगी मेरे बेडरूम में जो कि मेरा बहुत ही स्पेशल, ये मेरी आँखों को देखिए बिना खुलता नहीं, देख लेते हैं हाँ। तो ये खुल चुका है मेरा रूम जो कि मेरे एक्सेस के बिना और विजय जी के एक्सेस के बिना खुलता नहीं है। तो अभी हम एक टूर अपने रूम की तरफ, फिलहाल इधर थोड़ा मैस है ना, बेडरूम्स में तो सबके मैस रहता ही है क्योंकि हम बार बार आते हैं और फिर सामान यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक पर्सनल वार्डरोब एरिया है और यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग टेबल है जहाँ मैंने पूरा अपना मेकअप सेट किया हुआ है और अंदर उसके ही वॉशरूम है पर्सनल। और यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत ही सुंदर कर्टन्स
एक एक कर्टन के पीछे, हाँ ये एक्स्ट्रा कर्टन लगाया हुआ है। यहाँ पे हमारे बेडरूम को दी गई है एक पर्सनल बालकनी। ओके, ये बालकनी इतनी सुंदर, इतनी वास्ट है और इतनी खुली है कि यहाँ पे आराम से हम सो भी सकते हैं गद्दा लगा के, और सुबह में जब हम उठते हैं तो यहाँ पे आके हम थोड़ा सन बाथ ले लेते हैं, और यहाँ पे पूरा जंगल हमें दिखता है और फ्रेश हवा चारों तरफ से, इतना अच्छा लगता है ना कि क्या ही बताऊँ। आप चलते हैं, अब हम चलेंगे हमारे सेकंड फ्लोर पे। तो अब हम चलते हैं ऊपर, यानी कि सेकंड फ्लोर पे, और ये सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर की तरफ, और ये सीढ़ियाँ वापस नीचे भी आती है, तो चलो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्पेशल मिरर हमने लगाया है ताकि हम पूरा बाहर का व्यू भी देख सकें, और यू नो रोशनी बहुत ज़रूरी होती है घर के लिए। ये इतनी बड़ी विंडो है कि पूरी रोशनी पूरे घर को ये विंडो से। यहाँ पे ऊपर आते ही सबसे पहले राइट साइड में है हमारे एंजल का रूम। फिलहाल वो सो रही है इसलिए मैं इसे ओपन नहीं कर, तो अभी वो सो रही है इसलिए मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जब वो उड़ जाएगी फिर मैं आपको सारा व्यू बताऊंगी। यहाँ पे देखो बहुत ही सुंदर तरीके से शोपीस रखने के लिए कुछ सेक्शन बनाया गया है। अगेन यहाँ पे स्टोरेज दी गई है, मतलब मेरे पास अनलिमिटेड स्टोरेज है, मैं पूरे गाँव का सामान भी यहाँ पे भर सकती हूँ। और यहाँ पे है पर्सनल एक और कॉमन बाथरूम, ओके फॉर द गेस्ट। बहुत ही खुला, बहुत ही यहाँ पे अलग से ये शावर एरिया बनाया गया है, और आराम से आप रह सकते हैं यहाँ पे, नहा सकते हैं कुछ भी। और यहाँ पे आइए, अब ये है हमारे सेकंड फ्लोर का हॉल रूम। मतलब मैंने ऐसा हॉल नहीं देखा होगा, नहीं मुंबई में तो बिल्कुल नहीं मिलते यार ऐसे बड़े बड़े घर। यहाँ पे आके इतना स्पेस आना, इतना अच्छा लगता है कि वापस जाने का मन नहीं करता। एंड ये एरिया मैंने स्पेशली बोला था भैया को कि भैया मुझे ऐसा कुछ चाहिए जहाँ पे मैं अपनी ट्रॉफीज और यू नो मेरे बहुत सारे फोटोग्राफ्स जो मुझे मिलते रहते हैं चौकीज में, वो सारे मैंने यहाँ पे प्लेस किए। काफी सारे तो अभी मुंबई में भी हैं, तो मैं जब नेक्स्ट ट्रिप में आऊंगी मैं ये सारा भर दूंगी। यू वॉन्ट बिलीव, ये तो है लेकिन यहाँ पे और स्टोरेज का सामान हम यहाँ भी रख सकते हैं। हर सेक्शन में हमें स्टोरेज दिया गया, मतलब जो फर्नीचर डिजाइन किया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से। एंड दिस इज द स्पेशल मिरर, मतलब ये मिरर को देख करके तो ऐसा लगता है वाओ हम सूरज के अंदर अपना चेहरा देख रहे हैं, इतना सुंदर डिजाइन किया हुआ है, दिखा दे। और यहाँ पर यू नो व्हाट, टेलीविजन हमने नीचे के हॉल में नहीं लगाया क्योंकि नीचे जब हम फैमिली बैठते हैं तो आपस में जो बातचीत होती है वो करने में ज्यादा मजा आता है, इसलिए टीवी हमने एक बड़ा सा टीवी ऊपर हॉल रूम में लगा दी ताकि यहाँ पे अगर कोई टीवी देखना चाहे तो वो आराम से टीवी देख सकते हैं। और नीचे हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था इसलिए हमने नीचे टीवी नहीं किया, क्योंकि बातचीत करना बहुत जरूरी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। और ये देखिए इतना सुंदर सा मैट यहाँ पे डाला हुआ है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे आधे से ज्यादा गाँव तो आराम से रह ही सकता है। और हर एक रूम के लिए जो कर्टन्स हैं, ओ माय गॉड, देखो आप। और यहाँ से व्यू देखो, हमें पहाड़ का पूरा नज़ारा ले सकते हैं, कौन क्या कर रहा है, किसके घर क्या चल रहा है, यहाँ से पता लग जाता है हमें। वैसे हम देखना नहीं चाहते किसी के घर, तो जस्ट एक जोकी था, तो इसको क्लोज करने पर भी दिया गर्मी मुझे। यहाँ पे भी है खिड़कियाँ, और यहाँ पे फिर से एक सेक्शन आ गया जहाँ पे अगेन आई गॉट अ वेरी नाइस स्टोरेज। और यहाँ पे जिम करने के लिए थोड़े डंबल्स वगैरह रखे हुए हैं। फिलहाल बहुत सारे सेक्शंस खाली है क्योंकि जब हम यहाँ परमानेंटली रहने आएंगे तब ये पूरा भर जाएगा। वैसे इस सेक्शन में हमने ये सोचा था कि हम अच्छी अच्छी किताबें रखेंगे, किताबों के बदले यहाँ पे कुछ चद्दर और कंबल स्टोर हो चुके हैं, लेकिन जब बुक्स आएंगी तो ये स्पेशली बुक्स के लिए ये सेक्शन बनाया गया है, फिर हम प्लेस करेंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड रूम में। चलिए, ये हमारे ऊपर का जो व्यू है, यहाँ से हम हॉल में बैठे हुए लोगों को भी देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, अच्छा कॉन्वर्सेशन हो सकता है। अब ये रूम है एक गेस्ट रूम, हमारे यहाँ बहुत सारे गेस्ट आते हैं, मतलब इतने गेस्ट आते हैं कि जब हम हिमाचल आए ना तो कम से कम नहीं तो 20-25 जन आने ही आने हमारे साथ। और यहाँ देखिए, यहाँ से जो व्यू मिलता है सीधा पूल का व्यू मिलता है, यहाँ ऊपर खड़े होके नीचे मस्त देख सकते हैं बच्चों को नहाते हुए, और बहुत अच्छा हर एक रूम का कलर और डिजाइन देखिए। अगर यहाँ पे जो बेड है, अगर ये बॉटल ग्रीन कलर का है,
तो इसके साथ जो कर्टन्स है वो ग्रीन कलर में ही, लाइट ग्रीन कलर में इसको कंबाइन किया गया है। और ये वॉर्डरोब्स है गेस्ट के लिए, उनका सामान होगा, उनको मैं चाबी दूं। तो आइए अब मैं आपको एक और गेस्ट रूम लेके चलती हूँ। तो ये है हमारा तीसरा गेस्ट रूम, जो कि अगेन अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ज्यादा ग्रे कलर यूज किया गया है, इसका जो बैकग्राउंड है वो भी ग्रे है और इसके पर्दे भी लाइट ग्रे कलर। यहाँ पे टीवी आएगा गेस्ट के लिए, फिलहाल आया नहीं क्योंकि अभी तक हम इतना रहने आए नहीं। बालकनी दी गई है तो चलिए आइए। और ये इसकी बालकनी को भी जंगल का व्यू भी मिलता है और इसकी बालकनी को स्विमिंग पूल का व्यू भी मिल जाता है। तो ये एक्चुअली में बहुत सुंदर बालकनी है। इस रूम की खासियत ये है कि इसमें जो जो वो खिड़की है, जो विंडो है, वो इतनी बड़ी है कि सुबह उठते ही आपको चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आती है और इतना सुंदर लगता है। यहाँ पे जाते हुए मोर भी नजर आ जाते हैं, चीता जा रहा हो तो वो भी दिख जाते हैं, स्नेक्स भी दिख जाते हैं। तो फिर हम इसको बंद कर देंगे और चलेंगे ऊपर टेरेस में। और जो ऊपर जो फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, उसका जो लुक है वो पूरा इस स्पेशल मिरर वॉल के साथ इतना हाईलाइट हुआ है कि नीचे से जब हम ऊपर देखते तो एक्चुअली लगता है कि हम किसी 5-स्टार होटल में आ गए। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती है बाहर और उन्हें लगता है कि ये कोई होटल है, तो वो पूछते हैं कि इस होटल में रूम कितने का मिलेगा। मतलब बहुत बार हमारे साथ ऐसा ब्लफर हो चुका है कि कोई भी आता है और हमें नॉक करके पूछते हैं कि यहाँ पे रूम मिल सकता है रहने के लिए। आए मेरे को तो सर चढ़ गया, लेकिन घर अभी भी बाकी है। ये तो खाली दो ही फ्लोर हुए, यू नो अंडरग्राउंड में दो फ्लोर है और एक टेरेस है। तो अब हम ऊपर चलते हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर भी जाती है और इसी सीढ़ियों से हम नीचे भी आएंगे। चलो का घर है, हमारे हैप्पी भैया का घर है। अब वहाँ पे हमारे आंटी और अंकल फिलहाल रह रहे हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ से हम जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो लिटरली मुझे तो चक्कर आ जाता है, इतना ज़्यादा हाइटेड है ना। और यहाँ से देखो तो पूरा गांव नज़र आ रहा है। और एक स्पेशल बताती हूँ, यहाँ की जो ऊपर की छत है, आई मीन ऐसी छत आपने पूरे हिमाचल में नहीं देखी होगी। ये स्पेशली वुडन डिज़ाइन की हुई छत है और यहाँ पे हमने एक गैप दिया है सो दैट यू नो यहाँ पे अच्छी रोशनी भी मिल सके और हवा भी आ सके। अब हम चलते हैं इसके ऊपर जहाँ के हमने सोलर पैनल को प्लेस किया हुआ है। इस घर में हमने सोलर पैनल इसलिए लगाया क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट्स हैं, एक तरह का ये लाइट हाउस ही कहलाता है। और यहाँ पे भी देखो टेरेस एरिया का एक पार्ट है। मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं से आपको शो करूँगी। ऊपर पानी की टंकियाँ है और सोलर पैनल भी है। क्योंकि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है इसलिए मैं अब और ऊपर नहीं आ रही। आप ऊपर ये देख लो सोलर पैनल को कैसे होता है। मैंने भी पहली बार ही देखा था जब ये हमारे घर में लगा था। यू वोंट बिलीव, हमारे घर में कोई गीजर नहीं है, सोलर पैनल से ही पानी गर्म हो जाता है। मैं इतना ज्यादा थक गई हूँ, ये सिर्फ 3 फ्लोर बता के यू नो। मतलब जब आप आओगे ना, आप पूरा घर में घूमोगे ना तो आपकी एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाएगी। मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बस एक राउंड ऊपर से नीचे तक आप ले लोगे ना, आप एकदम फिट हो जाओगे। तो अब हम चलते हैं अंडरग्राउंड, मतलब हमारे बेसमेंट एरिया में। चलिए, इस घर के लिए यू नो एक्चुअली एक लिफ्ट की जरूरत थी, लेकिन हमारी सीढ़ियों में इतनी ताकत है कि ये ऊपर तो लेके जाती है, वापस नीचे भी लेके आती है। तो चलो इन्हीं सीढ़ियों के जरिए हम नीचे भी जाएंगे।
हमें लिफ्ट की जरूरत नहीं, अभी हम जवान हैं भाई, हम तो चल सकते हैं, बूढ़े होंगे तब देखा जाएगा, तब लगा लेंगे लिफ्ट शिफ्ट। चल चलते हैं। तो ऊपर तो आपने पूरी तरह घर देख लिया, अब हम चलते हैं हमारे बेसमेंट एरिया में, जिसका रास्ता बाहर से भी है और यहाँ से भी है। फिलहाल हम अंदर से जाएंगे, क्योंकि बाहर से जाना मतलब है, मैं इतना थक गई कि मैं बाहर नहीं जा पाऊँगी, इसलिए हम यहीं से चलते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे जाते ही यहाँ पे एक रूम है जो है एक स्टोर रूम, जो गांव में जितना महिला मंडल है उनका सामान हमने यहाँ पे रखने के लिए उन्हें स्पेस प्रोवाइड की है। यहाँ पे है हमारा हॉल रूम है, फिलहाल ये हॉल लॉक है, तो इसकी चाबी जो है वो हमारे भैया है जो हमारी यहाँ पे केयर टेकर है, तो उनके पास है, वो फिलहाल गए हैं कुछ काम से, वो जब आएंगे तो मैं आपको ये पूरा हॉल जो है पार्टी हॉल बोल सकते हैं, कीर्तन हॉल बोल सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कीर्तन होते हैं, तो वो चीज के लिए यहाँ पे हॉल हमने पूरा बनाया। तो जब ये खुलेगा मैं इसका आपको पूरा अंदर का टूर तब लेके चलूंगी, फिलहाल ये लॉक्ड है और इसकी चाबी नहीं है मेरे पास। तो अब हम चलते हैं, हमारा पूरा ही जो बेसमेंट एरिया है, ऐसे ही हम ऊपर से नीचे आए बेसमेंट एरिया, ये आप देख सकते हैं, ये जो रोड तरह एक पूरा हमारा जो इन हाउस रोड है वो यहाँ से गाड़ी एंटर होती है और यहाँ पे नीचे ग्राउंड की तरफ पूरा बहुत ही खुला स्पेस है, यहाँ में फेंसेस लगी है, यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क होती है, तो बहुत ही अच्छा एरिया, ये भी काफ़ी खुला है, यहाँ पे हम डीजे वगैरह प्ले कर सकते हैं। हम लोग जब भी हमारा हाउस ओपनिंग था यहाँ पे हमने पूरा डीजे रखा था, यहाँ पे भंडारा भी हुआ था, तो ये बहुत ही खुली स्पेस है। मैं आपको फिलहाल ये बाहर से बताती हूँ, क्योंकि चाबियाँ अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं, वो केयर टेकर के पास है, वो आएगा तब मैं आपको सारा अंदर का टूर चलाऊंगी। ये हमारा बैक एरिया है पूरा, यहाँ से पीछे का जो एरिया है, यह देखो ये जो पीछे का एरिया है, यहाँ पे पूरा जंगल एरिया है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सांप और मृग और ये सब भी बाहर आते हैं, इसलिए यहाँ पे पूरे फेंसेस दिए गए हैं फॉर द सेफ्टी। तो अब ये सारा घर मैं आपको नाइट व्यू के साथ भी इस ब्लॉग के थ्रू बता रही हूँ, आई होप कि आपने मेरा पूरा घर देख लिया। वैसे ये हमारा तो नहीं है, ये तो राधा माधव जी का है और उनकी कृपा से बना है, इसलिए इसका नाम है राधा माधव कुंज। तो जैसे कि सुबह एंजल का रूम बंद था क्योंकि वो सो रही थी, इसलिए अभी एंजल के रूम का सारा व्यू देख लो। यहाँ पे उसके लिए पर्सनल टेलीविजन भी है, यहाँ पे है उसके कर्टन्स, दिस इज़ अ गोल्डन थीम, तो उसके कर्टन्स भी गोल्डन गोल्डन है, और यहाँ से बाहर की तरफ बालकनी भी है उसकी रूम को, ये देखो मैं ही दिख रही हूँ उसमें, ऑन है। यहाँ पे उसका पर्सनल सेक्शन ऑफ वार्डरोब है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, और उसका वॉशरूम भी बहुत ही सुंदर बना हुआ है, ये देखिए वेरी नाइसली डिज़ाइन, हर मीराज है, और ये इसका सारा रूम है। सुबह हम आए थे, आपने देखा था ये लॉक था, अभी ये खुल चुका है, तो अभी हम चलेंगे हमारे हॉल एरिया में, यहाँ पे हमारा कीर्तन हॉल है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हमारे गुरु जी आते हैं तो यहाँ पे कथा और कीर्तन बहुत सुंदर तरीके से हो जाता है, आधे से ज़्यादा गांव यहाँ पे सेट हो जाता है, और यहाँ पे हमने चेयर्स भी ला के रखी हुई है, और यहाँ पे जो एरिया है कॉमन बाथरूम फॉर ऑल दोज़ हु कम, और ये एरिया है यहाँ पे खाना वगैरह बन जाता है, जब भंडारा होता है ये सेक्शन हम पूरा खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और पीछे की तरफ भी काफ़ी सारा स्पेस है जहाँ पे बड़े बड़े बर्तन हम स्टोर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं बेसमेंट में, ओके चलिए। ये मैंने बताया था कि बेसमेंट में भी हमारे 3 BHK रूम्स हैं, तो अभी ये खुल चुका है दरवाज़ा, तो हम अंदर चलेंगे और देखते हैं कि यहाँ के रूम्स कैसे डिज़ाइन किए गए हैं। आइए तो ये हमारा हॉल रूम है, और ये हमारा किचन है, ओके किचन एरिया है, ये किचन भी बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है, आप देख सकते हो हर चीज़
बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन की गई है एंड दिस इज ऑल डन बाय हमारे हैप्पी भैया। और ये देखो यहाँ पे एक बेडरूम है, दिस इज फर्स्ट बेडरूम, देन हियर ये हमारा मंदिर है। ओके यहाँ पे भी माँ ठाकुर जी है, ये हमारा मंदिर यहाँ पे भी है, रोज सुबह शाम यहाँ पर भी जोत जगाई जाती है और पूजा होती है। और ये है एक सेकेंड बेडरूम और यहाँ पे है हमारा थर्ड बेडरूम। तो जब भी हमारे घर की ओपनिंग हुई थी, यू नो, इतना बड़ा घर होने के बाद भी हमारा घर छोटा पड़ गया था क्योंकि हमारे मेहमान बहुत ज़्यादा है। और ये है हमारा कॉमन बाथरूम यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए हमने नीचे के स्पेस में एक ही वॉशरूम रखा है। और अभी हम बाहर चलते हैं बैकयार्ड। तो यहाँ पे अब गाड़ी भी आ चुकी है क्योंकि ये सुबह नहीं थी, सुबह कुछ काम से गए थे। ये हमारा बैकयार्ड है, आप देख सकते हो नाइट व्यू, और ये पूरी बिल्डिंग और ये पूरा घर।